प्रणाम पहुंचे मैडम जी आपके चरणों को प्रणाम। वाह ऐसी होती है थानेदारनी ब्यूटी ऑन ड्यूटी। अरे आपको देख के तो बंदा खुद पंगा लेकर थाने में आना चाहेगा। और पुष्पा जी आपको हमें एक बात बताएं, हमने ऐसी पहली बंदी देखी जिनका नेम और फेस दोनों मैच कर रहा है। हसीना मलिक, वाह क्या नाम है, बहुत ही बढ़िया नाम है। परफ्यूम ब्लैक रोज राइट। कौन है मैडम? ये सनी है, यहाँ का लोकल न्यूज चैनल है ना, वहां का रिपोर्टर। खबरें और लेडी परफ्यूम दोनों इसकी कमजोरी हैं। सूंघते हुए कहीं भी पहुंच जाता है। वैसे परफ्यूम की खुशबू तो यहाँ से भी बुरी नहीं आ रही है मिस। संतोष भाई तुम्हारा नाम नहीं पूछा, इनका पूछा। इनको ही नाम बता रहा हूँ लाला। अरे तो इनको बताने देना। सुना नहीं प्रसाद खाते पंडित और लाइन मारते आशिक के बीच में नहीं आते, समझ जा यार। बेटा उंगली ऊंची करके ऐसा घुसंड मारूंगा ना कि या तरफ की पसलियां वा तरफ की पसलियों के साथ में डांडिया करेंगी। मैडम सर के सामने बदतमीजी नहीं। सॉरी मैडम सर, माफ कर दीजिए, बॉन्ड डिफेक्ट, सॉरी। यहाँ क्यों? अब ये तो सभी को पता है कि पुलिस और मीडिया का रिश्ता बहुत पुराना है, और भले ही उस रिश्ते में कितने भी स्यापे हो लेकिन वो इस रिश्ते को मानते जरूर, तो उसी रिश्ते को निभाने के लिए और ये देने के लिए मैं आया हूँ। ये तो ताला है। स्मार्ट। और ये ताला बहुत जल्द इस थाने पे लगने वाला है, क्योंकि आपकी सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह ने टुटेजा के गाल सेक कर जो उनकी बेइज्जती की है ना, वो चुप नहीं बैठेगा। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी जेब में पैसा दौलत सत्ता पावर सब कुछ है, वो पूरी जान लगा देगा इस थाने को बंद करवाने के लिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ सकता है अगर आप चाहें तो। कैसे? कल के न्यूज चैनल में यह खबर आने वाली है कि दरोगा करिश्मा सिंह ने इस शहर के सबसे बड़े ट्रस्टी ज्ञान प्रकाश टुटेजा को थप्पड़ मारा, भीषण अपमान है ना। अब इस खबर को वापस सुन जो मैं दिखा सकता हूं। इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज ट्रस्टी ज्ञान प्रकाश टुटेजा ने एक महिला अधिकारी के साथ की बदतमीजी और किया उनका अपमान, और उसी के बदले उसी महिला अधिकारी ने दिया करारा जवाब। कैसा लगा? पूरी कहानी पलट गई, अब टुटेजा कुछ नहीं कर पाएगा। ऑफर क्या है? आपको कैसे पता कि मैं कोई ऑफर देने वाला हूं? तजुर्बा कहता है हमारा कि दुकानदार और खबर दोनों ऑफर पे चलते हैं, सामान पे नहीं। वेरी इंटेलिजेंट, आई एम इंप्रेस्ड, ब्यूटी विद ब्रेन्स, वेरी नाइस। तो मेरा ऑफर बहुत ही सिंपल, मैं कल के अखबार में यह खबर छापूंगा और बदले में इस थाने से निकलने वाली हर एक खबर को आप सबसे पहले सनी चड्डा के साथ शेयर करेंगे, उसे मैं अपने न्यूज चैनल पे दिखाऊंगा, उसके बाद में उसके छिलके आप कहीं पे भी बांट दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डील डन। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर शर्त नहीं होती तो मुझे हैरानी होती। फरमाइए। शर्त यह है कि जब भी हमें आपकी या आपके न्यूज चैनल की जरूरत होगी तो आप बिना कोई सवाल पूछे मदद करने आ जाएंगे, मंजूर? अरे मंजूर, बिल्कुल मंजूर। खबरों के लिए तो मैं कहीं पे भी पहुंच सकता हूँ, तो आज से ये थाना मेरा और मैं इस थाने का। अच्छे से करना। यस संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हो गई आपकी प्रेजेंटेशन तैयार? यस मैडम सर। ठीक है, तो फिर क्या है टुटेजा का बैकग्राउंड? बचपन से लेकर आज तक की पूरी डिटेल निकालिए मैडम सर। टुटेजा बचपन में अपने बिस्तर में बहुत ज्यादा सुसु पॉटी करता था, उसकी मम्मी उसकी सुसु पॉटी साफ करते करते। संतु, कांस्टेबल संतोष, इतना समय नहीं है किसी के पास। वो टुटेजा को थोड़ा बड़ा करो। हाई स्कूल में टुटेजा जब और थोड़ा बड़ा, कॉलेज चलेगा। कॉलेज में पहुंचते ही फर्जी एजुकेशन का धंधा शुरू कर दिया। शुरुआत की कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहाँ के बच्चे कॉलेज में टॉप करने लगे। पैसों से रैंकिंग फिक्स करता है, फर्स्ट रैंक की सबसे ज्यादा कीमत, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर जैसा रेट वैसा रैंक। फिर टुटेजा ने खोला मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ से फर्जी डिग्री का धंधा और भी ज्यादा बढ़ गया।
पैसों ने पावर खरीदी, पावर ने सिस्टम, और यू बन गया ये टूटेजा करप्ट एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मगरमच्छ। लेकिन टूटेजा के स्टूडेंट्स को एग्जाम दिए बिना असली डिग्री मिलती कैसे है? क्यों नहीं मिल सकती मैडम सर, जब एग्जाम देने टूटेजा के स्टूडेंट्स के जगह टूटेजा के ही क्वालिफाइड लोग देंगे तो रिजल्ट भी तो वैसा ही होगा ना। ये कैसे हो सकता है? किसी और की जगह कोई और जाके परीक्षा कैसे दे सकता है? यही तो, ये लोग बहुत चातुर हैं, ऐसे ऐसे पैंतरे आजमाते हैं कि जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ फोटोज निकाली है मैंने। सॉरी मैडम सर, सॉरी। ये देखिए, अब अगर एंट्रेंस आईडी कार्ड पर ये फोटो हो और मैं ये कहूं कि ये फोटो पुष्पा जी की, तो क्या कोई इन्हें रोक सकता एग्जाम देने से? फिर बेशक ये फोटो करिश्मा मैडम की हो। मैडम सर, यही गोरख धंधा चलाकर फर्जी एग्जाम देकर असली डिग्री हासिल की जा सकती है। स्टूडेंट कोई और होता है और एग्जाम देने कोई और जाता है, तो अलग अलग फोटोज को आपस में इतने स्मार्टली और इतने इजीली मिक्स किया जाता है कि एंट्रेंस बहुत आसानी से क्लियर किया जा रहा है, तो डिग्री भी तो ओरिजिनल ही होगी ना। ये फोटो मुझे मिल सकेगा? तुम क्या करोगे इस फोटो का? टॉर्चर रूम में लगाऊंगा अपराधी को डराने के लिए। मैंने कहा था ना मैडम सर, इस टूटेजा के खिलाफ कुछ भी प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। सही कह रहे संतु, ये टूटेजा जो है ना, वो कभी किसी से सीधे डील नहीं करता। वो जो कुछ भी करता है वायरस शेट्टी जूनियर की आड़ में करता है। अगर ये वायरस शेट्टी जूनियर हमारे हाथ आ जाए ना, तो हम टूटेजा के खिलाफ जरूर कुछ कर पाएंगे। एक मिनट, ये वायरस शेट्टी जूनियर कौन है? बहुत ही रहस्यमय टाइप का आदमी है ये मैडम सर। कोई ना जाने कि आखिरकार है कौन ये वायरस शेट्टी जूनियर, और नाम तो छोड़ो, कोई ने शक्ल तक ना देखी बाकी आज तक। जैन मैडम सर, हम काय बैठे हैं यहाँ पे? हम पता लगाएंगे ना उस वायरस शेट्टी जूनियर के बारे में? 56 भोग का भोजन खिलाएंगे ससुरे को और पता लगाएंगे उससे टूटेजा का सारा सबूत। ये लीजिए करिश्मा सिंह, नया ताला है, अभी अभी सनी देकर गया है, आप खुद ही इसे थाने पर लगा दीजिए। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। जाहिर सी बात है, अब आप वायरस शेट्टी को ढूंढेंगी अपने तरीके से, ढूंढने में ही 2-4 कानून तोड़ देंगे, और इस बात का पूरा फायदा उठाएगा वो टूटेजा। नतीजा क्या? ये थाना हमेशा के लिए बंद। तो फिर ये काम आप अभी कर दीजिए ना अपने शुभ हाथों से। माफ कीजिएगा मैडम सर, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना आप हमें समझ बैठे हैं। हम भी जानते हैं कब कहाँ कितनी ड्यूटी करनी है, कोई मौका ही नहीं देगा तो कैसे साबित करें खुद को। अच्छा, मौका चाहिए आपको, ठीक है, दिया मौका। आप अपनी ड्यूटी कीजिए अपने तरीके से और हम करेंगे अपने तरीके से, देखते नतीजा क्या निकलता है, आपका जोश जीतता है या हमारा होश। देख लीजिएगा मैडम सर। जय हिंद मैडम। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पत्ते छाटने की जगह अगर डायरेक्ट जड़ को थामा जाए तो? जड़ मैडम सर? अब वायरस शेट्टी जूनियर तक हमें पहुंचाएगा उसका बाप, वायरस शेट्टी सीनियर। मगर ऐसा तो कोई है ही नहीं मैडम सर। तो हम बना देते हैं।